सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई आज हम शूट करने वाले हैं हमारी लव स्टोरी एपिसोड 33, आई थिंक 33 दो दिन के बाद। तो 33वें एपिसोड पे आ चुके हैं, दो दिन के बाद शूट किया है, दो दिन आपको पीछे व्लॉग मिला होगा। लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और कमेंट्स देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं क्या ही करूँ। सोच रही हूँ कोई मॉल वॉल खरीद लूँ उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा ना। तो भाई हम अब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मेरे एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने दो दिन के लिए विला बुक किया था और दो दिन के विला में काम नहीं चला, तो क्योंकि हमारी जो बात हुई जब इवेंट मैनेजर के साथ, तो उसने बोला कि दो दिन का जो विला मिलेगा आपको, जो चेक इन मिलेगा वो तो मिलेगा 12 बजे के आसपास, और 12 बजे अगर चेक इन मिलता है तो मैं उस दौरान क्या ही यू नो टाइम लगेगा मुझे, मैं कैसे प्रिपरेशन कर पाऊँगा सारी, क्योंकि हमने उसको डेकोरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको एक प्रॉपर थीम दी थी, जो भी हमारी हल्दी की थीम थी वो हमने उसको प्रॉपर थीम दी थी, तो वो डेकोरेशन वैसी होनी थी, तो उसको उसके लिए बहुत टाइम चाहिए था। इसी के लिए हमने वहाँ पे, अब मैं आपको बताऊँ कि बजट हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिगड़ा। लास्ट में बताया था कि कपड़ों के मामले में तो बिगड़ ही चुका था, उसके बाद हमारी प्री वेडिंग को लेके बिगड़ चुका था क्योंकि जो कपड़े थे वो एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिली थी, तो नए खरीदने पड़े। हमने कुछ बताया ही नहीं एक्चुअली, अभी बताया था हम वहाँ पे गए, अलवर गए, वो प्री वेडिंग का, वो प्री वेडिंग हुई वो नहीं बताया। प्री वेडिंग के कपड़े की बात कर रही हूँ बाबू, प्री वेडिंग के कपड़ों की बात कर रही हूँ मैं अभी, खर्च वो कब बताएगी प्री वेडिंग का, वो अब मैं अभी मुहूर्त निकलवाती हूँ, ठीक है। हाँ मैं बताऊँ, इंटरप्ट करती है बीच में, खुद तो को तो कुछ याद रहता नहीं है। तब तो सीधे शादी में पहुंच गई तो बताओ, मैं बीच की चीजें बता रही हूँ ना, मुझे सब याद है अभी, कहाँ से शादी हो गई, अभी कहाँ से शादी हो गई, तो प्री वेडिंग शूट भी नहीं हुई है, नहीं पहले लड़ने लग गए उसमें, शादी नहीं हुई ना, यहाँ तो हो गई ना। नानो मैं नींदों में हूँ, परेशान मत करो प्लीज। तो गाइज पहले तो वही प्री वेडिंग वाली हमारी जो ड्रेसेस थी वो सारी रिजेक्ट हो गई, तो वहाँ पे वो नहीं खरीदनी पड़ी, तो ये हमारे खर्चे बढ़ गए। फिर वेला वाले से, इवेंट मैनेजर से बात हुई, तो उसने बोला कि भाई मुझे एक दिन और एक्स्ट्रा चाहिए, दो दिन के बुक में काम नहीं चलेगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और चेक इन के टाइम में आधा दिन निकल जाएगा, तो मैं डेकोरेशन कब करूँगा और कब आप अपना फंक्शन शुरू करोगे। और इसी के लिए हमने एक दिन और विला बुक करना पड़ा, यानी कि हमारा जो विला बुक था वो 2, 3 और 4 का बुक था, 5 को चेकआउट था, जबकि शादी थी हमारी 4 की रात को। तो भाई 2 तारीख से विला हमारा बुक हो गया, तो यहाँ पर अपना कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि उसकी भी प्राइस अच्छी खासी थी, तो बढ़ गया भाई यहाँ पे कॉस्ट, कपड़ों का कॉस्ट बढ़ा, पहले प्री वेडिंग के कपड़ों के कॉस्ट बढ़ी, फिर प्री वेडिंग के कॉस्ट कपड़ों की कॉस्ट बढ़ी, उसके बाद ये यहाँ पे खर्चा हमारा बढ़ गया। और जितना हम डेकोरेशन और ये सब का लेके चल रहे थे ना, खर्चा जितना हमने लिया था उसका डबल खर्चा हमको पड़ा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, चलो हमने कहा चलो भाई बुक हो गया, सब हो गया, ये हो, उसके बाद फाइनली आता है हमारा प्री वेडिंग वाला दिन, मतलब कि हमारी प्री वेडिंग थी, तो प्री वेडिंग के लिए। अच्छा प्री वेडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि मेकअप आर्टिस्ट की बात बताती हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको काव्या कैसे मिली, आपको वीरपाल कैसे मिला, कैसे मिला वो तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि जब जयपुर हम पहली बार गए थे, मतलब अलवर से गए थे साथ में घूमने, तो वहाँ पर हमने एक मीटअप किया था जिसमें काव्या हमसे मिलने आई थी अपनी डॉटर के साथ, और मतलब हमने वहाँ पे केक वेक कट किया और इतना अपनापन फील हुआ ना उससे मुझे, बहुत ही ज़्यादा। उससे पहले भी वो कमेंट्स और मैसेजेस करती थी तो बहुत मतलब प्यार था, तो ऐसे ऐसे करके मैं उससे मिली। और उसके बाद हमने शॉपिंग की वहाँ पे, तो वो हमारे साथ गई शॉपिंग करने, और वहाँ पे ज़्यादातर वो पूरा सिंधी मार्केट था, मुझे नाम तो याद नहीं है मार्केट का, वहाँ पे ज़्यादा सिंधी था वो पूरा, तो भाई उसी ने पूरी बार्गनिंग करके हमको तो पता नहीं भाई कितना करना है, उसने कहा इतना नहीं इतना करो इतना इतना, मतलब उसने ऐसे ऐसे किया, तो बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो गया क्योंकि हम काफ़ी टाइम साथ में रहे काव्या के। तो फिर काव्या ने मेरे को एक रिक्वेस्ट की कि यशुति मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने बोला बोलो भाई, तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप शादी करो ना तो मेकअप ना मेरी सिस्टर ही करे। और उसने बताया पूरा, और उसने मुझे मतलब बोला कि मैं ना आपको उसकी प्रोफाइल भेज दूंगी, आप देख लेना एक बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, तूने बोल दिया ना, मतलब मेरा ऐसा होता है कि मतलब होती है ना यार जुबान वाली बात, मैंने कहा कोई बात नहीं तूने बोल दिया ना तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जब भी शादी मतलब मेरी होगी ऐसे करके उस टाइम क्या बता रही होगी, तब तो फिक्स नहीं थी कोई डेट, तो मैं उसी को बुलाऊंगी। तो ये बात हो रही है सिया की यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे करके भाई बात हो गई हमारी मेकअप को लेके। अब जब हमारी शादी के टाइम की ये बात आई, तो जब हम मेरे घर पर ही थे तब मेरे सिया से कॉन्टैक्ट हुआ,
और मैंने सिया से बात की कि ऐसे ऐसे करके मैं बात कर रही हूँ, तो उसने बताया हाँ जी हाँ जी ये करके, तो उसने हम दोनों की फ़ोटोज़ मांगी थी, मुझे याद है उसने हम दोनों की फ़ोटोज़ मांगी थी, तो उसने डुगो की थोड़ी तारीफ़ की थी उस टाइम पे भी, आज मुझे याद आ रहा है। इसके बाद फ़ोन करती हूँ उसको, उसने बोला था आपके पति तो बहुत क्यूट है, मैंने सोचा बहन मेरे पे भी ध्यान दे दीजिए मेकअप तो मेरा ही करना है, कहती इनको तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा मेरी मेकअप ज़रूरत है मेकअप की मजाक कर रही हो, ऐसे ऐसे मतलब हमारी बात हुई, तो हमारी भाई पूरी बातचीत हो गई कि ऐसा ऐसा है, लेकिन उस टाइम पे हमारी बात हुई थी सिर्फ वेडिंग के लिए कि वेडिंग में तैयार होना है ऐसा करके, क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो नॉलेज भी नहीं थी कि भाई प्री वेडिंग में भी कोई ऐसे प्रॉपर आपको मेकअप वेकअप करना पड़ेगा या ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो ये मेरे को नहीं पता था तो ये सारी डिस्कशन मेरी उसी से हुई, तो आप फिर प्री वेडिंग कराओगे, मैंने बोला हाँ, तो फिर वहाँ पे ज़रूरत ही पड़ेगी आपको, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं भाई ऐसा ऐसा होता है करके, तो बोली नहीं वहाँ पे भी तो आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे कैसे आप मतलब मैनेज करोगे, ऐसे ऐसे करके बात हो गई हमारी। तो फिर जब हमारी प्री वेडिंग पे फाइनली ये बात आई, तो भाई वो लड़की को मैंने फ़ोन किया, तो वो जयपुर से है तो वो वहाँ पे आ गई इजीली, राजस्थान में था प्री वेडिंग हमारा, तो वो इजीली वहाँ पे आ गई मेकअप के लिए, और जैसे ही हम प्री वेडिंग के लिए पहुँचे तो हम तीनों एक ही रूम में हम तीनों ने स्टे किया, तो पहले तो बड़ा मुझे लग रहा था कि जैसे क्या बात करें यार, पहली बार मिले थे, अच्छे से मिली वो पूरी वैनिटी व्यूनिटी लेके, अब जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता वैनिटी देख के, मतलब कोई सामान आया छोटे से बच्चों का सोते अरे इसमें क्या चीज़ हो सकती है, कोई गन कार टॉय वॉय तो नहीं है, ऐसे करके होता ना बच्चों को ऐसे, तो इस आदमी ने उसकी पूरी वैनिटी खोल डाली, ये क्या है ये कैसी है ये क्या है ये क्या है करके, और पहली बार था इनका कि आप किसी से पहली बार मिलने में इतना बातचीत कर पा रहे हो, मैं क्योंकि इनको ऐसे जानती नहीं हूँ, तो भाई मस्त उसकी वैनिटी बेचारी की खोल दी पूरी सामान वामान, तो वो बता रही है ये ना डुगू इसमें ये लगेगा, और तब से लेके आज तक वो डुगू ही बोलती है इनको, कभी मैंने उसको मुझसे पायल नहीं सुना, तो डुगू ये ऐसे लगता है डुगू ये ऐसे लगता है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, हल्का टचअप कर दूंगी आपका, ऐसे करके बात हो गई भाई। तो हमने फुल ऑन मस्ती की, सिया जब आ गई थी तो हमने फुल ऑन मस्ती की, हमने खाना वाना वहीं मंगाया, वहीं खाना वाना खाया, और फिर बातें बातें की, फिर उसने रात को मेरा मास्क वास्क लगाया फेस पे, मेरे को बोला 3 बजे उठ गए थे रात को अपन, 2 बजे तो उसने मेरे को बोला कि आप किसके लिए इतनी डल क्यों हुई पड़ी है, आँखों के नीचे काले घेरे क्यों आ रखे हैं, मैंने कहा बहन क्या बताऊँ काले घेरे हुए पड़े हैं तो पता ही नहीं किसी को, बिहाइंड द सीन तो ऑब्वियसली अंदर इंटरनल क्या चल रहा था, और सामने से भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो बंदा यार अभी किससे बोले क्या बोले, ऐसा होता है ना जो चीज़ें मतलब कि हमारे परिवारों को करनी चाहिए थी उस टाइम पे वो सब हमारे ऊपर थी, और हर एक चीज़ की टेंशन हमारे ऊपर थी, कहीं ना कहीं यू नो एक बंदे को होता है कि परिवार के बीच में नहीं हो, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो सारे रीजंस थे उस टाइम के वहाँ पे उन सारी बातों के। तो फाइनली भाई उसने बोला कि आप अभी सो जाओ ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके बाद जल्दी उठना है, क्योंकि सागर से भी हमारी बात हो गई कि भाई हमको शूट पे जाना है, और थोड़ा सा मतलब कि हाइट वाली मतलब पहाड़ वाली जगह है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। जो मेरी पहली कॉस्ट्यूम थी, पहले तो हम उठे 2 बजे भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, शायद ये बात हमने व्लॉग में मुझे याद नहीं है क्योंकि बताई है कि नहीं बताई है, कि हमारी जो पहली लोकेशन थी प्री वेडिंग की वो अलवर में थी, और हम लोग घर ना जाके एक होटल में रुके थे, क्योंकि आपको बता, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिस होटल में हम रुके थे, मतलब ऐसे कहने में दुख लगता है, हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ के लिए मजाक भी लेंगे, बट वो उनका नज़रिया है, इस होटल में हम रुके थे उसके मेरे ख्याल से 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अपना घर था वहाँ पे, और इसकी वजह से हम उस वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था ना, स्कूटी से जा सकते हैं, हाँ तो पास ही था ना, पास ही था मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था, ठीक है 10 मिनट लग जाएंगे स्कूटी पे चले जाओगे तो तुमको 5 मिनट लग जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं, बट बहुत नियरेस्ट थे हम वहाँ पे, तो भाई हम वहाँ पे फिर रात को 2 बजे उठे, और क्योंकि उसको पूरा मेकअप वेकअप करना था भाई, और बाल बाल बनाने थे, ऊपर से जो पहली कॉस्ट्यूम थी मैं आपको बता दूँ, जो ब्लैक कलर की मैंने कॉस्ट्यूम पहनी थी वहाँ पे, बहुत ही प्यारी कॉस्ट्यूम थी, और बहुत ही प्यारी मैं लग भी रही थी, मुझे ऐसे लगा कि भाई अच्छी लग रही हूँ मैं, और वो कॉस्ट्यूम बनी थी हमारी 35 मीटर्स में, 35 मीटर के कपड़े में बनी थी वो,
मैं तो उसे 35 मीटर नेट लगा था और उसके नीचे मैंने शूज़ वेयर किए थे उस टाइम पे। और फिर भाई सुबह मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे तक मतलब मेकअप वेकअप मेरा पूरा हो गया था, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। अच्छा, कॉस्ट्यूम्स हमको बाकी की सब कैरी करनी थी क्योंकि एक ही दिन का प्री वेडिंग का शूट था, तो हमने सारी कॉस्ट्यूम्स भाई कैरी कर ली। और हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक सागर की थी और एक और जो पूरी टीम थी उनके पास थी, तो 2 गाड़ियाँ थी टोटल। अब भाई हम वहाँ से निकले और निकल के बाद में वो झांबा अपनी ड्रेस को पकड़ते पकड़ते पहुँच गई गाड़ी में और मैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी क्योंकि एक तो वो कॉस्ट्यूम को संभालना, ऊपर से मेरे बालों की इरिटेशन हुई पड़ी थी, ऊपर से गर्मी भी खा रही थी मुझे, तो मैं अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकती। बस इतना सुकून था कि उसके नीचे मैंने जूते पहने हुए थे, सैंडल्स के बजाय हील्स नहीं पहनी हुई थी। हाँ, हील्स कैरी की हुई थी आगे ही कॉस्ट्यूम्स के लिए। तो भाई पहली लोकेशन पे हम पहुँचे जो कि मंदिर था, मतलब ऊपर जाके टेम्पल था पहाड़ों पे से जाके ऐसे, तो नीचे गाड़ी वाली रुकी। जगह का नाम क्या था? गरबा जी। तो कैसे याद है मुझे, आप बातें करते रहते तो हमारी प्री वेडिंग की जो अलवर वाले उनको पता होगा, हमारी प्री वेडिंग की जो फर्स्ट लोकेशन थी वो थी गरबा जी। तो भाई हम लोग गए थे गरबा जी। अब हो सकता है वहाँ के लोगों को तो इजी लगे लेकिन मेरे को उस कॉस्ट्यूम के हिसाब से नहीं लग रहा था, बहुत ऊंचाई पे हाँ सीढ़ियाँ हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट्यूम के साथ चढ़ना, क्योंकि मैं तो बचपन से उसको देखती आ रही हूँ और मुझे वो सीढ़ियाँ उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम चढ़ी थी जब मेरा प्री वेडिंग शूट था। और मैं सोच रही थी, मैं बचपन से सोच रही थी मैंने कहा यार ये तो बहुत, क्योंकि हाइट से मेरे को थोड़ा सा फोबिया है ना, तो मैं सोच मैंने कहा यार मैं तो नहीं कभी चढ़ पाऊंगी, मेरे को लगता नहीं मैं कभी इसके ऊपर जा पाऊंगी, मुझे नहीं पता था प्री वेडिंग के शूट में जाना पड़ेगा उधर। उससे पहले हमने सिल्ली सेड पे जो नीचे रेस्टोरेंट्स हैं पता ही होगा आपको, वहाँ पे जाके बहुत फेमस है वहाँ के कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जाके हमने आलू के पराठे खाए थे। बताइए कैसे लगे थे तेरे को? नहीं आके खाए थे, सॉरी कोई बात नहीं, मतलब खाए थे हमने वहाँ पे पराठे। क्या हो गया? मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना, तो याद नहीं ये बात? मुझे तो बाबू याद है कि हमने कब पराठे खाए थे। आते टाइम खाए थे हमने पराठे। थोड़ा भूल गए थे। तो हुआ ये कि भाई हमने लाइक ये वाला जो शूट था ये वाली कॉस्ट्यूम को ले, मैं जब पहुंची वहाँ पे और मैं गाड़ी से उतरी तो भाई मैंने वहाँ पे देखा कि हज़ारों बंदर हैं, हज़ारों बंदर, और पूरे पत्थर 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 जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। उसके बाद भाई वहाँ के लोग बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए मुझे लगता था ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ही आते होंगे या फिर लोकल्स भी आते होंगे, बट मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं वहाँ पे गाड़ी से उतरी या तो मैं बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी उनको, या तो उनको लग रहा था कि ये क्या ही हो रहा है वहाँ पे, लेकिन ऐसे सबकी नज़रें ऐसे थी ना हमारे ऊपर। तो वहाँ के लिए नहीं है भाई अलवर बहुत छोटा, मुझे एक्चुअली वहाँ का आइडिया नहीं है देखो कैसा माहौल है, मेरे को पता है ना। तो ये भी थोड़ा सा वो थे मेरे को लेके कि भाई लाइक तो ऐसे सेंटर में चलना मतलब साथ में चलना ऐसे करके भाई हुआ हुआ था। तो मैंने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम ऐसे ऐसे करके पूरी ऊपर करके लपेट ली और यहाँ पे पकड़ी हुई थी क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ना था। तो जैसे कैसे करके भाई ऊपर चढ़े हम नेट नुट संभालते हुए अपनी कॉस्ट्यूम का, और फिर जैसे ही ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ते रहे सीढ़ियों के दौरान तो फिर हम आ गए जहाँ पे वो झरना वरना सब बह रहा है जहाँ के ज़्यादातर शॉट हैं, जिस जगह के ज़्यादातर शॉट हैं। तो भाई हमारा शूट स्टार्ट हुआ। अब कैमरा के सामने तो दो लोगों का तो रोमांस चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई तीसरा बंदा नहीं होता देखने के लिए। अब वहाँ पे 8 लोगों की तो टीम, ठीक है, 9वीं मेरी मेकअप आर्टिस्ट सिया जी हमारी बहन, उसके अलावा वहाँ पे जाने आने वाले जितने लोग थे वो, तो वो इतना मैं उस चीज़ के लिए नर्वस हो गई और ये तो मेरे से ज़्यादा नर्वस कि भाई अभी कैसे मतलब शॉट दें कैसे वो करें। सागर हमको समझाए देखो हमको बिल्कुल नेचुरल शॉट देना है, ठीक है, एक दूसरे की आंखों में देखो, ये वाला जो डायलॉग है ना एक दूसरे की आंखों में देखो, होल्ड स्माइल कम क्लोज, मैं तो भाई पागल हो गई ये सारी चीज़ें सुन सुन के। इतना मैंने इस आदमी की आंखों में देख लिया, इतना मैंने इस आदमी की आंखों में देख लिया कि मैं भाई थोड़ी देर में अपनी आंखें मिलना चाहती हूँ, अभी यही नज़र इसी की आंखें नज़र आ रही है चारों तरफ। तो ऐसे ऐसे करके भाई हमारे शॉट हो रहे थे और बड़ा ही ऐसे फनी सा भी हुआ जा रहा था बीच बीच में क्योंकि बंदर आ जाए पीछे से तो घबराहट हो रही है। हमारा प्री वेडिंग का जो शूट है उसमें भी वो भी देख सकते हो, इसके साथ साथ हमारे प्री वेडिंग के व्लॉग्स हैं वो भी देख सकते हो, और साथ के साथ में मैंने प्री वेडिंग का एक BTS भी डाला हुआ है वो भी देख सकते हो, वो भी बहुत फनी है। तो इस ये सब चीज़ें भाई ऐसे ऐसे करके चल रही थी। अच्छा, बीच में ना एक इंसिडेंट हुआ था काफ़ी सीरियस वाला जो आज तक हमने कैमरा पे नहीं बताया, या फिर बताया भी होगा बट उस तरीके से नहीं बताया। एक शॉट लेना था जिसके लिए मेरे बाल पीछे करने थे, एक शॉट था जिसमें मेरे साइड के बाल ऐसे थे कर्ल में तो वो पीछे करने थे। तो सिया इस तरफ खड़ी थी, इधर से शॉट ले रहा था सागर, और सिया
एक्चुअली उसका बैग बीच में रखा हुआ था कहीं पे, तो सिया पिन लेने के लिए आ रही थी, बाल पीछे करने के लिए, क्लिप लेने के लिए आ रही थी। उतने में सागर ने भाई उसको हेल्प करने के लिए कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमको बहुत सारी लोकेशंस कवर करनी थी, उसका बैग पकड़ाया। और बैग जब उसने पकड़ाया तो उसका पैर रखा गया पानी वाली जगह में बीच में जो थी, और वहाँ पे काई लगी थी, और उसने एक कैमरा अपना इधर की तरफ बांधा हुआ था और एक होल्ड किया हुआ था हाथ में। और सागर बहुत ही बुरी तरीके से स्लिप हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से। वो मोमेंट ऐसा था ना हम दोनों के लिए कि भाई मतलब उसको लगी ना, यहाँ पे उसको लगी होना चाहिए। बहुत वाकई में बहुत तेज गिरा था, बहुत तेज, और उसको लगी भी थी, लगी भी थी, पर उसने बताया नहीं, उसने बिल्कुल इस चीज के लिए नहीं बोला कि मुझे लगी है। तो हम कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पे होल्ड हो गए कि नहीं भैया अभी पहले उसको देखते हैं। उसने सबसे पहले देखा अपना कैमरा, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है अपनी काम की चीजें, ऊपर उठा लिया था। हाँ, तो वो भाई उसकी बच गई थी चीजें, और उसको चोट लगी थी बट उसने नहीं बताया। इसको बोलते ना अंदरूनी चोट, उसको लगी थी बट उसने नहीं बताया उस टाइम पे कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है सब कुछ ठीक है करके। और हम बोल रहे थे कि यार हमारी शादी की शुरुआत है, कुछ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, मतलब उसको लग जाए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर ये सब हमारा शूट वूट हुआ, और फिर उसके बाद एक और टेक लेना था जो सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक था, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा और सच में एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी। हम लोग इस तरफ पत्थर पे बैठे हुए थे, एक सिंगल पत्थर था, इस तरफ तो कुछ नहीं था, नीचे की तरफ लेकिन ऐसे खाई वाला झरने वाला सीन था, और हम इस तरफ बैठे हुए थे। तो वो जो टेक था, बैठे नहीं थे, खड़े थे, खड़े थे, मतलब खड़े भी थे और बैठे भी थे। मैं सारे वीडियोस डाल दूंगी नीचे, जो लिंक आते हैं ना उसके, मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं, जो नीचे वीडियो ऐड करते हैं जो आप देख लेना, उसमें सारे वीडियोस डालूंगी, वहां पर देखना आपको सब दिख जाएगा। तो भाई वो एक टेक था जिसमें मुझे मेरे पैर कांप रहे थे बिल्कुल, कि भाई नहीं ये मतलब करना जरूरी है क्या ये वाला, मैंने कहा डर लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ऐसे देखने से घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। और मुझे ये था कि अगर हल्का सा भी ये मेरे कपड़ों पर चढ़े या मेरा ही पैर अपने कपड़ों पर आया तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सीधा नीचे। तो ऐसे सीन था। देखो कुछ लोग कहेंगे भाई कि लेना ही क्यों था ऐसा शॉट, बट ठीक है वो अपने तरीके से कर रहा था और बेस्ट देना चाहता था अपने काम के लिए कि हमारी चीज़ें बेस्ट हों, यू नो अच्छा प्रेजेंट हो। तो भाई वो जैसे तैसे करके वो शॉट भी हमारा हो गया, और जो फर्स्ट कॉस्ट्यूम थी वो ब्लैक वाली, उसके प्रॉपरली हमारे वो शॉट्स हो चुके थे। अब भाई इस चीज़ में हमारे ये पहले वाले शॉट में ही सबसे ज़्यादा टाइम हमारा गया, पहली कॉस्ट्यूम का जो था उस लोकेशन पे हमारा बहुत टाइम गया, 2-3 घंटा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घंटा क्यों लगे, एक टाइम तो ऐसा आया कि हज़ारों बंदर इकट्ठे हो गए और हम टेक नहीं ले पा रहे, तो वहाँ उनको सब शू शू करने में लगे हुए हैं और वो कहीं से भी आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग वापस नीचे उतरे किसी तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों को वहाँ पे ऐसा लगा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो कि मैंने नोटिस किया जब हम सीढ़ियों का शॉट दे रहे थे फ्लैग लेके। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे रुक के आपको, जब हमने प्री वेडिंग का प्लान किया था तो हम बहुत सारी प्री वेडिंग को ना देख रहे थे कि किसी की प्री वेडिंग हमें इंडिया में मिले, कि किसी कपल ने तो कराई होगी LGBTQ में इंडिया में, लेस्बियन की कोई तो मिलेगी, लेकिन हमको इंडिया में कोई प्री वेडिंग ही नहीं मिली। और हमको ये पता चला कि प्री वेडिंग आज तक कोई हुई ही नहीं है। चलो जी, ये बात हाँ लेस्बियंस की। तो हमने देखा कि भाई कोई प्री वेडिंग ही नहीं हो रही, फिर हमने प्लान किया कि हम कुछ अलग करें जो अपने इसको डेडिकेट करें। तो बेसिकली हमने वहाँ पे अपना रेनबो फ्लैग यूज़ किया था, जिसके शॉट्स आपने कई जगहों में देखे होंगे। सबसे पहला शॉट हमने लिया था ब्लैक कॉस्ट्यूम में, उसी जगह पे सीढ़ियों में, जिसको लेके हम चल रहे थे, यू नो, और कुछ पोजेस भी थे वहाँ पे। तो भाई ये हमारा पहला टेक था। इसके बाद हम लोग गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सभी को भूख लगी थी और मुझे सेकंड कॉस्ट्यूम चेंज करनी थी अपनी। तो भाई ये बताएंगे आगे, नहीं इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे फर्स्ट लोकेशन पे ही। कैसी है ना ये करती है ऐसा गाइस, मेरी गलती नहीं है, मैं तो आपको बताना चाहती हूँ यार। आप लोग में एक्साइटमेंट कैसे बढ़ेगी फिर अगर हम एक साथ सारी चीजें बता देंगे। दो दिन में लव स्टोरी दी है, हाय कैसी गाइस, मेरी गलती नहीं है, मेरे को गाली, भले ही आप मुझे ऐसे ओवर एक्टिंग की दुकान कहो लेकिन मेरी गलती नहीं है गाइस, सच में गाइस मेरी गलती नहीं है गाइस। चल अपनी वो फाइनल लाइन तो बोल दे, अब आगे क्या हुआ मेरी लाइन है सेकंड लोकेशन पे। तो गाइस अब सेकंड लोकेशन पे क्या हुआ, हमने वहां जाके क्या खाया, मैंने वहां जाके क्या पहना, और वो जो एक छोटा सा जो एक लॉज टाइप था उसमें मुझे कैसी फीलिंग आई, आई कांट एक्सप्रेस, मेरे को घबराहट हो रही थी। कौन से लॉज की बात करें, मुझे यार नाम क्यों नहीं याद आ रहा यार, उसको मैं नाम देख के बताऊंगी आपको। सिली सेट लेक जब स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे पराठे वराठे मिलते हैं, वहाँ पे जो एक छोटे छोटे से लॉज नहीं बने हुए, कमरे बने हुए, ये उनकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे जाके हमें कैसा फील हुआ वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं एक आइडिया देती थी, वो जो वहाँ के जो मतलब लॉज वगैरह है वो मतलब
समझ जाओ, तो मैं उसको क्लियर नहीं बोल सकती, और इसको मैंने ये बात बाद में बताई थी। मेरे को तो ये बोला कि नेक्स्ट लोकेशन के लिए रेडी होना है, तो तू एक काम कर सिया के साथ जा और चेंज करके आ जा, ऐसे जगह पे चेंज करवा के मुझे बता। तो हम आपसे मिलेंगे भाई नेक्स्ट स्टोरी में, लव स्टोरी में, वो हम जल्दी लेंगे, शायद कल ले आए मे बी, या फिर परसों ले आए, देखते हैं वो जैसे भी होगा। देखो अगर आज कहीं बाहर गए तो आपको ब्लॉग मिलेगा, और बाहर नहीं गए तो हम कोशिश करेंगे कि लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट ही दें आपको। यस ठीक है, तो अभी हम इसको चल। तो गाइस आगे की कहानी जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है यशस व्लॉग। इसके साथ ही साथ आप हमारे मकबैन चैनल पे जो कि है यशस मकबैन, और उसकी रेसिपी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा यशस की रसोई पे, और हमारे छोटे मोटे कट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा यशस शॉर्ट्स पे। और भाई क्या कर रहे हो, ये इंस्टाग्राम पे मेरे 81.7 के हो गए थे, अब क्या हो गया 81.3 हो गए। ये जो मुझे अनफॉलो करे जा रहा है भाई, ठीक है मैंने कल के ब्लॉग में थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी थी, इसका मतलब थोड़ी ना कि अनफॉलो कर दोगे। यार डाल ही नहीं रही ना मैं कुछ यार, इनकी ये गलती है उसमें। मैं तो बोल रही हूँ डेली, और हाँ एक चीज और बता दो भाई, टॉक विद यशल्स के लिए मैंने 1000 बार बोल दिया, लेकिन ये लड़की वीडियो नहीं बना रही है। डाली बनवाना चाहती है, देख लो भाई अभी बनाऊंगी इसी कॉस्ट्यूम में मैं उसकी वीडियो, और जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे। जल्दी क्या, चल तू भाई आज ही लॉन्च कर, संडे के दिन बढ़िया दिन, फ्री दिन है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।